Rajpal S Saini. और मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने नेता बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने इस एक छोटे से किसान के बेटे को इस लायक बनाया कि मैं इस सदन में ऐसी किसानों की समस्याओं पर अपनी बात रख सकूं। महोदय, आज भारत में 11 राज्य भीषण सूखे की चपेट से भीषण सूखे की समस्या से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को सूखाग्रस्त राज्य घोषित किया है। इनमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की क्षेत्र की स्थिति बहुत ही भयावह और दयनीय है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में विभाजित है। यह क्षेत्र पूर्ण रूप से सूखे की चपेट में है। इसी कारण आत्महत्याओं के साथ ही किसान बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। अपने परिवारों को बचाने के लिए बुंदेलखंड में जिस तरह यहाँ से अब तक लगभग 62 लाख मजदूर पलायन कर चुके हैं। यहाँ की सरकारों एवं केंद्र की सरकार ने जो बुंदेलखंड के लिए किया है वह ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। मध्य प्रदेश के 5 जिले व उत्तर प्रदेश के झांसी संभाग के सभी जिले बुंदेलखंड में आते हैं। 1.60 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के इस इलाके की आबादी लगभग 3 करोड़ से अधिक है। इस इलाके की 86% आबादी खेती के सहारे है। बुंदेलखंड में जिस तरह के हालात आज हैं वैसे पहले कभी नहीं थे। यहाँ औसत वर्षा होती थी जो खेती के लिए पर्याप्त थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में जिस तरह जंगल की अंधाधुंध कटाई हुई है उसने यहाँ के पर्यावरण को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। जल संरक्षण के उपायों के अभाव और जल संरक्षण के परंपरागत तरीकों के प्रति उदासीनता ने इस संकट को और बढ़ाया है। कम बारिश के कारण बुंदेलखंड के कुएं तालाब तो सूख ही गए हैं, फसलों के लिए जीवनदायिनी नदियाँ और बांधों में भी पानी की बेहद कमी है। सिंचाई के लिए पानी की कमी, गिरते जल स्तर और सूखे की मार की वजह से बुंदेलखंड में कृषि संकट बढ़ता जा रहा है। किसानों की खेती बिगड़ रही है तो उसके परिवार के अर्थशास्त्र पर भी प्रभाव पड़ा है। लागत के अनुपात में सूखे के कारण फसल की उपज ना के बराबर होने के कारण किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। बीते सालों में यहाँ के 3,223 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। देश के कई राज्यों की सूखे की भीषण स्थिति को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने केंद्र पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कई राज्यों में सूखे के गंभीर हालात हैं, ऐसे में लोगों की दिक्कतों पर सरकार आँख मूंद कर नहीं बैठ सकती। इतना ही नहीं, सरकार की उदासीनता को देखते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इस गंभीर समस्या की अनदेखी नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बुंदेलखंड व मराठवाड़ा के हालात पर कड़ी चिंता जाहिर की है। बुंदेलखंड के साथ साथ देश के अन्य राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अन्य राज्यों में पानी को लेकर खून खराबे तक की नौबत आ गई है। लातूर में तो अभी रजनी जी बोल रही थी कि लातूर में तो पानी को लेकर हुई हिंसक घटना को देखते हुए वहाँ धारा 144 लगानी पड़ी है। महोदय, मैंने अखबारों में पढ़ा है, ज़्यादा तो वहाँ के लोग जानते होंगे, रजनी जी वहाँ से हैं, मैंने पढ़ा है लेकिन अखबारों में कि महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी की कमी के कारण, सूखे के कारण लोग एक से ज़्यादा शादियाँ कर रहे हैं। जब एक पत्नी घर में बच्चों को संभालती है तो दूसरी पत्नी सिर्फ पानी लाने का काम करती है, क्योंकि महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। बोले दीजिए। लेकिन माननीय देश के अंदर विडंबना देखिए, एक तरफ देश के कई राज्य सूखे के कारण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं मुंबई में आईपीएल मैच के आयोजन को लेकर मैदान में लाखों लीटर पानी की बर्बादी की गई है। मुंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आईपीएल मैच के आयोजन के लिए आड़े हाथों लेते हुए कहा भी है, मैच वहां कराइए जहां पानी ज्यादा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सूखा बड़ी समस्या है या आईपीएल? लोगों को पीने के लिए, मवेशियों को खिलाने पिलाने के लिए, खेतों को सींचने के लिए, बिजली घरों को चलाने के लिए पानी दिया जाना जरूरी है या आईपीएल मैचों के लिए स्टेडियम तैयार करने के लिए पानी देना ज्यादा आवश्यक है? दरअसल आईपीएल इंडिया में होता है, महोदय, आईपीएल इंडिया में होता है, आईपीएल इंडिया में होता है, इंडियंस के मनोरंजन के लिए होता है, जबकि सूखा भारत में पड़ता है। इंडिया बड़े बड़े स्मार्ट शहरों का देश बनने जा रहा है,
जबकि भारत छोटे छोटे गांव का देश है। इंडिया विकास के इस छोर पर है, भारत दूर, बहुत दूर उस छोर पर है। इसलिए देश का 40% भूभाग, 10 राज्य और 250 से अधिक जिले अगर सूखे की भयंकर चपेट में है और देश में इस पर कोई चिंता नहीं हो रही है तो मान्यवर हैरानी कैसी। महोदय, अगर मौजूदा जल संकट की बात करें तो देश के 91 बड़े जलाशयों में कुल क्षमता का 29% पानी है। देश में करीब 50% वाटर ग्राउंड दूषित है। देश के 91 बड़े जलाशयों में पानी 10 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। महोदय, नई सरकार से लोगों ने हालात सुधारने की उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन इस सरकार से भी कोई बदलाव नहीं आया है। दो मिनिस्टर हमारे यहाँ बैठे हैं, वाटर रिसोर्सेज और कृषि मंत्री जी। विचारणीय है कि जब सूखा हमारे देश में एक स्थायी त्रासदी बन गई है तो क्या उसकी स्थायी समाधान निकालना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में शामिल नहीं होना चाहिए? महोदय, अफसोस की बात है कि इस दिशा में सरकारी प्रयास महज पानी की बूंद बूंद कीमती है। जल ही जीवन है, जल है तो कल है जैसे नारे दीवारों पर लिखने या अखबारों में छपाने तक सीमित रह गए हैं, जबकि सूखे से निपटने के लिए जल संरक्षण के साथ साथ जल प्रबंधन का भी समग्र रणनीति बनाकर उस पर सख्ती से अमल करने की आवश्यकता है। महोदय, बुंदेलखंड के मौजूदा हालात को देखते हुए सबसे पहले यहाँ ग्राम और कृषि आधारित आजीविका की आवश्यकता है ताकि पलायन को तुरंत रोका जा सके। सरकार को बुंदेलखंड के लिए अलग से ऐसी कृषि नीति घोषित करनी चाहिए जो इस क्षेत्र के पर्यावरण और पारिस्थितिकी को नुकसान न पहुँचाए। जो भी नीति बने उससे पशुपालन और वानिकी के साथ जोड़ा जाए। सरकार राष्ट्रीय बैंकों को सिंचाई के परंपरागत साधनों के विकास के लिए ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्देश दे। अंत में महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि बुंदेलखंड में अन्य राज्यों को सूखे से उभारने के लिए जरूरी है कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाए, ठीक है, और भू जल संकट का समाधान किस प्रकार हो सकता है समय रहते इस पर कोई बड़ा निर्णय लिया जाए। धन्यवाद, आपने मुझे धन्यवाद।